दिल कहता है, दिल पे इतना जुल्म मत कर ए शरीर, दिल पे इतना जुल्म मत कर ए शरीर, अगर मुझे खतरनाक दौरा आ गया तो किसी के ना रह पाओगे करीब। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ हार्ट अटैक के बारे में। ऑब्वियस इंट्रोडक्शन से आपको पता चल गया होगा, हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है जो पहले 60 से 70 साल के इंसान को आती थी, आज की डेट में 20-25 साल के इंसान को भी हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ चीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम मैं हार्ट अटैक के बारे में और रिसर्च कर रही थी ऑनलाइन, और मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी कि हाउ टू अनक्लॉग योर आर्टरीज, यानी कि जो हमारे दिल की आर्टरीज होती है उसमें तेल जमा हो जाता है, प्लाक जमा हो जाता है, बैड फैट, उसको कैसे निकाल सकते हैं, अनक्लॉग कैसे कर सकते हैं। तो हैरानी की बात मुझे एक पता चली जब मैंने गूगल पर टाइप करा हाउ टू अनक्लॉग, तो आर्टरीज का कोई ऑप्शन ही नहीं आया। सबसे पहले आ रहा था हाउ टू अनक्लॉग योर नोज, ईयर्स, किचन सिंक, बाथरूम, दैट WC पॉट्स। तो मैं इसको क्या कहूँ कि शायद आज की डेट में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है या क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लैक क्या होता है, कैसे बनता है, क्या आप अपनी आर्टरीज को अनक्लॉक कर सकते हो यानी कि ठीक कर सकते हो, जो भी इसमें प्लैक जमा हुआ हुआ है उसको निकाल सकते हो, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो उनको आपको हेल्प करेंगे आर्टरीज को अनक्लॉक करने में एंड विल हेल्प यू इन कीपिंग योर हार्ट फिट एंड स्ट्रॉन्ग फॉर एवर। तो पहली चीज़, प्लैक क्या होता है? बेसिकली दैट इज अ बैड फैट। अब इमेजिन कीजिए एक मेट्रो ट्रेन है, भरी पड़ी है ठसाठस लोगों से, आप गलती से वुमेन्स कोच पे चढ़ गए हो, अब आपको जाना है लास्ट कोच में, आपका दोस्त बैठा है लास्ट कोच में, तो कैसे जाओगे ट्रैवल करके? आप नहीं पहुंच पाओगे ना उस आखिरी कोच में, क्योंकि वो भीड़ से भरी हुई है, रास्ता ही नहीं साफ है। ऐसे में हम ना मेट्रो अथॉरिटी को गालियां देते हैं कि कोई रूल होना चाहिए था, ऐसे कैसे होता है, इतनी भीड़ क्यों अलाउ कर देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा सेम आपके शरीर के साथ भी हो रहा है? आपके शरीर में भी ब्लड को पास होने के लिए सिंपल वेन्स में, आर्टरीज में एक सिंपल पैसेज बना हुआ है, पर कई बारी उसमें प्लैक डिपॉजिट हो जाता है। वो किस रीजन से होता है? ड्यू टू योर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, ड्यू टू योर स्ट्रेस, ड्यू टू योर ईटिंग हैबिट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स। तो इस वजह से जो प्लैक डिपॉजिट होता जाता है, तो ऐसे में हार्ट में ब्लड को फ्लो करने की जगह ही नहीं मिल पाती। वो कैसे करेगा? क्योंकि प्लैक बढ़ता गया, जगह छोटी होती गई, ब्लड पास नहीं हो सकेगा, एज अ रिजल्ट वी गेट हार्ट अटैक। अब इसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि इसको साइलेंट किलर कहा गया है, ये एकदम से नहीं आता। प्लैक जमा हो रहा है ये कुछ हफ्तों या महीनों का खेल नहीं होता, ये सालों से चलता आ रहा है। अगर किसी इंसान को 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया है, इसका मतलब चांसेस हैं कि जब वो 15 साल का था तब से ही उसका लाइफस्टाइल खराब था, तब से ही उसके डाइटरी हैबिट्स खराब थे। 10 साल का हो था तब भी हो सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है कि आपको इतना टाइम देगा, ये कभी से भी हो सकता है। हाँ, बस इतना श्योर है कि ये सालों का खेल है। अब हम आते हैं सिम्टम्स पे। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक साइलेंट किलर है, व्हाट आर द सिम्टम्स? अगर आपको लगता है कि आप थक बहुत जल्दी जाते हो, ब्रेथलेसनेस होती है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेफ्ट साइड पे अक्सर पेन रहती है, चेस्ट पे, आर्म्स पे, लेग्स पे दर्द होती है, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसके अलावा मैंने जो बताया ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये सिम्टम्स होते हैं। इट मीन्स कि आपके आर्टरीज में प्लैक लेवल बढ़ा हुआ है। नाउ व्हाट यू कैन डू, सिंपल सी पहली चीज़ है, कंफर्मेशन के लिए टेस्ट कराएं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। वो बताता है कि आपके ब्लड में फिलहाल कितना फैट है जो तैर रहा है। उसके बाद वही ब्लड आपके हार्ट के पास जाता है, बेचारे हार्ट के पास ही काम है ब्लड पंप करना और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो सारा वहाँ पर फैट इकट्ठा हो जाता है। खाली एक फैट आपके हार्ट पर इकट्ठा नहीं होता, वो आपके ब्रेन में भी होता है, वो आपके लिवर के आसपास भी होता है। जब लिवर के आसपास होता है वो कहलाता है फैटी लिवर डिसीज। हार्ट में डिपॉजिट होता है, प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट अटैक। ब्रेन के पास होता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेन क्लॉटिंग इज आल्सो वन ऑफ द इश्यूज जो आगे हो सकता है। तो हमें क्या करना है, पहचानना है कि किन किन कारणों से ये प्लैक डिपॉजिट होता है। सबसे बड़ी चीज़ आती है LDL, हमें चेक करना है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं लिपिड प्रोफाइल में, ये आपका कम होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब कि खतरा हो सकता है। HDL आपका ज़्यादा होना चाहिए। अगर LDL लेवल ज़्यादा है, स्मोक आप करते हो, वेट आपका बढ़ा हुआ है,
अननेसेसरी पैकेट फूड डेली बेसिस पे आप खाते हो, ऐसे तेल में बनी हुई चीजें खाते हो जिसको रीयूज करा गया है, तो काफी हद तक चांसेस हैं कि आपके बॉडी में प्लैक लेवल्स काफी बढ़े हुए हैं। तो हम क्या करें? ऐसे में हम सहारा लेते हैं कुछ फूड का। चाहे आपको हार्ट अटैक आया है या चाहे हार्ट अटैक अभी नहीं आया, उसका इंतजार नहीं करेंगे हम। आई एम टेलिंग यू सम फूड्स, जो चीजें आप ले सकते हो, एंड दीज आर द प्रूवन फैक्ट्स आयुर्वेदा में और बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज में दिखाया गया है कि ये चीजें कंज्यूम करने के बाद हमारा एलडीएल लेवल कम होता है, HDL लेवल बढ़ता है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि एक गुड फैट है, और हमारे ब्लड में जितना फैट है वो कम होता है, आर्टरीज में जितना फैट, जितना प्लेग बना हुआ है, क्लॉग हुआ है, फंसा हुआ है, वो निकलता है। सो जिसको डॉक्टर्स हटाते हैं थ्रू मेडिसिन, थ्रू सर्जरीज, हम इनिशियल फेज पे उसको डाइट्री मेथड से भी ठीक कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फूड्स, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें डेली इंक्लूड करनी चाहिए। नंबर वन इज गार्लिक। गार्लिक कंटेन्स एलिसिन विच स्लोज हार्डनिंग ऑफ योर आर्टरीज। दूसरी चीज है अर्जुन की छाल, जिसको हम अर्जुन बाग भी कहते हैं। अर्जुन की छाल में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं विच आर कंसिडर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट कार्डियोवास्कुलर प्रॉपर्टीज। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं अर्जुन की छाल डेली इंक्लूड कीजिए। सेकेंड, थर्ड, फ्लैक्सीड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। फ्लैक्सीड्स कंटेन्स लिग्निन्स जो कि हेल्प करता है हमारा एलडीएल लेवल कम करने में और एचडीएल लेवल इम्प्रूव करने में। फोर्थ चीज आती है पोमीग्रेनेट, जी हाँ अनार। अभी तक हमने ये जरूर सुना था कि नट्स, सीड्स, हेल्दी ऑयल्स ऐसी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं, बट अनार भी एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बॉडी में से प्लैक को कम करने में मदद करती है। Pomegranates reduce your LDL levels and increase your HDL level. Now next important चीज आती है grapes, अंगूर। हाँ, fruits में pomegranate बहुत अच्छा है, अंगूर भी बहुत अच्छा है। They keep arteries healthy and improve the blood flow. Antioxidants in grapes encourage blood vessels to relax and work more efficiently. अब छठी और last चीज आती है wheat grass powder. वीट ग्रास पाउडर रिड्यूस टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, तो जो भी बैड फैट होता है वो वीट ग्रास पाउडर हटा देता है। तो ये थी हमारी 6 चीज़ें, गार्लिक, वीट ग्रास पाउडर, अर्जुन की छाल, फ्लैक्स सीड्स, पोमेग्रेनेट एंड ग्रेप्स। और भी बहुत चीज़ें हैं जो बेनिफिशियल होती हैं, जैसे कि ओट्स, ग्रीन लीफीज वेजिटेबल्स। प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और होल ग्रेन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं लाइक ओट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, मिलेट्स, तो भी आपका ब्लड में फैट लेवल कम होता है, मीन्स एचडीएल लेवल इंक्रीज होता है और एलडीएल लेवल कम होता है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे गूग्लू, इन पे और रिसर्च स्टडीज करनी बाकी है, सो दे ऑल्सो हेल्प बट दिस इज नॉट 100% प्रूवन फैक्ट येट। तो अब क्या कर सकते हैं? एक चीज आप करें अगर आप हार्ट को अपना ध्यान रखना चाहते हैं कि कल को फ्यूचर में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना आए, तो दिन की शुरुआत करें 1 क्लोव ऑफ गार्लिक से। सुबह एक छोटा सा क्लोव लहसुन का स्वालो कर लें पानी के साथ। इसके अलावा लंच और डिनर के बाद 1 कप पानी में बॉईल करें थोड़ी सी अर्जुन की छाल और उसके बाद उसको छान के पी जाएं। ये चीज़ अपने हैबिट में डाल दें। कोशिश करें कि जब भी आप अपनी रोटी बना रहे हैं उसमें या तो रागी का आटा ऐड हो, ज्वार, बाजरा, ओट्स, इनको अल्टरनेटिवली वे में चेंज करते रहें। अपने लाइफस्टाइल की बात करें तो जो भी आप तेल यूज़ कर रहे हैं उसको अल्टरनेटिवली वे में चेंज करते रहें। जैसे एक महीने आपने यूज़ करा ऑलिव, अगले महीने कनोला, इसके अलावा आप सरसों का तेल और देसी घी, इन पे अपना फोकस बिल्कुल मेंटेन रखें। बाहर का खाना कम कर दें क्योंकि जितना ज़्यादा तेल आप रीयूज ऑयल कंज्यूम करते हैं उतना ही ज़्यादा जल्दी वो बैड फैट बढ़ता है। पैकेट फूड का कंजम्पशन बहुत सोच समझ के करें। जिस पैकेट फूड के पीछे सैचुरेटेड फैट, ट्राइग्लिसराइड लिखा हुआ है उसको अवॉइड करें, या ज़्यादा कंजम्पशन में है, ज़्यादा अमाउंट में है, उसको अवॉइड करें। इफ़ यू आर अल्कोहलिक और इफ़ यू आर स्मोकर, देन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नियर एंड डियर वंस, रिड्यूस इट्स क्वान्टिटी। मैं नहीं कह रही बिल्कुल बंद कर दो क्योंकि मेरे को पता है बिल्कुल बंद कहने पर कोई बंद मानेगा नहीं, बट रिड्यूस इट्स क्वान्टिटी। सो हेयर आर सम लाइफ स्टाइल चेंजेस।
डू वॉक, डू एक्सरसाइज, डू योगा, और इन चीजों को जरूर याद रखें. सी, गार्लिक, पोमेग्रेनेट, ये सब चीजें हम अक्सर सुनते आते हैं. इनका डेली रूटीन में क्या यूज है ये हमने सीखा, और अर्जुन की छाल स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट एजुकेशनल वीडियोज रेगुलरली. थैंक्स फॉर वॉचिंग.